नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर। बिहार के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की होगी नियुक्ति। अवैध खनन रोकने के लिए घाटों पर हाई मास्ट कैमरे से होगी निगरानी। देश सहित राज्य भर में बढ़े कोरोना के मामले। सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में 12 जुलाई को होगी अब सुनवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महिला उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर। महिला उद्यमियों के लिए बिहार सरकार बड़ा मंच प्रदान करने जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास निगम प्रमंडल स्तर पर महिला उद्यमियों के लिए मेला आयोजित करने जा रहा है। निगम की एमडी हरजोत कौर बम्हारा ने बताया है कि गुरुवार से निगम की वेबसाइट खोल दी जाएगी, जिसमें महिला उद्यमी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकती है। रजिस्ट्रेशन ओपन टू ऑल होगा। अगले महीने मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया प्रमंडल में मेला आयोजित किया जाएगा। बिहार के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की होगी नियुक्ति। राज्य के 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड गठित होता है। इसको लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने वर्तमान में 36 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के रिक्त पदों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन के लिए आवेदन मांगा है। रैक के अभाव से 23 ट्रेनें आज भी रद्द। अग्निपथ योजना पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बीच रेलवे को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हिंसक प्रदर्शन के बीच बाधित रेल सेवा के बीच ही बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा 50% से अधिक लोकल ट्रेनें चलने लगी है। हालांकि रैक के अभाव में गुरुवार को दानापुर, साहिबगंज, इस्लामपुर, हटिया, पटना, एनारकुलम एक्सप्रेस समेत 23 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं राज्य भर में अब 50% से अधिक लोकल ट्रेनों के चलने की बात कही गई है। इसके बाद आज से अधिकतर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। बिहार के जिलों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बिहार के कुछ जिलों में भूकंप के झटके बीते दिन महसूस किए गए। कोसी और सीमांचल के कुछ जिले, पूर्णिया, अररिया और मधेपुरा के कुछ इलाकों में बुधवार की देर शाम करीब 6:41 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को अफगानिस्तान में बहुत ही तीव्र गति से भूकंप देखा गया था, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी, जिसके बाद बीते दिन बुधवार को भी बिहार सीमांचल के जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि अररिया में रिक्टर पैमाने पर भूकंप तीव्रता 3.8 मापी गई है। अवैध खनन रोकने के लिए घाटों पर हाई मास्ट कैमरे से होगी निगरानी। बिहार में बालू खनन पर रोक लगी हुई है, क्योंकि पुरानी बंदोबस्ती का समय 31 मई को पूरा हो गया था। अब नए बंदोबस्ती से बालू का खनन होना है, जिसमें अभी समय लगेगा। राज्य भर में बालू खनन पर रोक की वजह से लगातार स्टॉक से बालू खत्म होते जा रहे हैं। इसी बीच बालू की कीमत भी बढ़ती जा रही है। वहीं बालू का अवैध खनन भी जारी है। इसको देखते हुए और भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए अब कैमरे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने सूबे के सभी प्रमुख और संवेदनशील बालू घाटों पर निगरानी के लिए हाई मास्ट कैमरे लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों से संवेदनशील और प्रमुख घाटों की सूची मांगी है। लिस्ट मिलने के बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। देश सहित राज्य भर में बढ़े कोरोना के मामले। देश सहित राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार 126 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें सर्वाधिक 83 नए संक्रमित पटना जिले में पाए गए हैं। नए कोरोना संक्रमित राज्य के 20 जिलों में पाए गए। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में पाए गए संक्रमितों में गया में 7, बेगूसराय में 6, मुजफ्फरपुर में 4, बांका में 3, अररिया में 3, औरंगाबाद में 1, अरवल में 2, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, पूर्वी चंपारण में 2, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 1, मधुबनी में 2, मुंगेर में 1, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 1, शेखपुरा में 1, सुपौल में 2, पश्चिम चंपारण में 1 और दूसरे राज्यों के 1 व्यक्ति का सैंपल संक्रमित पाया गया है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी गुरुवार को जारी किए गए ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 13,313 नए मामले सामने आए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में 12 जुलाई को होगी सुनवाई। 2 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड मामला नहीं सुलझा है। हालांकि आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड मामला एनसीबी ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। एनसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल किए हैं। इन सभी पर सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कार्रवाई के दौरान रिया और उनके भाई शौविक कोर्ट में मौजूद थे। अच्छी खबर यह है कि स्पेशल जज वीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को फिर से करने वाले हैं। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
बिहार में मॉनसून ने तेजी से पकड़ बना ली है। इस बीच दक्षिणी बिहार में देखा जाए तो पर्याप्त बारिश नहीं हुई, लेकिन बिहार के उत्तरी भाग के जिले में पर्याप्त बारिश हुई है। इसके साथ ही बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया समेत कुल 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना समेत कुछ जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं दक्षिण बिहार के रोहतास में सबसे ज्यादा गर्मी को लेकर भी मौसम केंद्र ने आगाह किया है। जातीय जनगणना को लेकर लोकहित याचिका दायर जातिगत जनगणना को लेकर लोकहित याचिका दायर कर दी गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराने की मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर आपसी सहमति से बिहार सरकार को अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी कर लिया है। इसके बाद अब जातिगत जनगणना को लेकर जारी अधिसूचना को लेकर शशि आनंद की तरफ से अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने याचिका दायर की। याचिका के माध्यम से 2 जून 2022 को राज्य सरकार के उप सचिव द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। सीमांचल की नदियां उफान पर। बिहार में एक तरफ मॉनसून का मजा तो दूसरी तरफ नदियों के बढ़ते जलस्तर ने परेशानी बढ़ा दी है। सीमांचल की नदियां उफान पर है। कटिहार जिले के भी सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है। बुधवार को नदी का जलस्तर बढ़ा रहा। जिले के महानंदा, गंगा, बरंदी और कोसी नदी के जलस्तर में पिछले 12 घंटे के दौरान 5 से 25 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। महानंदा नदी का जलस्तर 3 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आपको बता दें कि जिले के महानंदा, गंगा, बरंदी और कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है। पिछले 12 घंटे के दौरान जलस्तर में 5 से 25 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2 का आंसर की हुआ जारी। एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2 दे चुके अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 15, 16 और 17 जून को जारी किए गए एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2 की आंसर की जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड करने के साथ साथ रिस्पॉन्स शीट क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। अभ्यर्थी आंसर की पर आपत्ति 27 जून की रात 11:55 तक दर्ज करवा सकते हैं। वहीं हर आपत्ति पर ₹50 फीस का भुगतान करना होगा। बीसीसीएल ने कोयला मंत्रालय को संताल और बिहार की कोयला खदान लौटाई। कोयला मंत्रालय ने देश की मिनी रत्न कंपनी बीसीसीएल को संताल परगना प्रमंडल के गोड्डा जिले में पीरपैंती और धुलिया नॉर्थ और बिहार के भागलपुर जिले के मंदार पर्वत को ब्लॉक का आवंटन बीसीसीएल को किया है। कोल ब्लॉक के लिए जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को कोयला मंत्रालय ने बीसीसीएल को वापस कर दिया है। इसके बदले बीसीसीएल ने कोयला मंत्रालय से बंगाल के सीता रामपुर कोल ब्लॉक के आवंटन की मांग की है। तर्क यह है कि 3 कोल ब्लॉक वापस करने के बाद उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए नई खदानें चाहिए। इस संबंध में बीसीसीएल के तकनीकी निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि बीसीसीएल ने कोयला मंत्रालय को 3 कोल ब्लॉक वापस कर दिया है। बंगाल के सीतारामपुर कोल ब्लॉक की मांग की गई है। सीतारामपुर कोल ब्लॉक मिला तो पहले से उपलब्ध कल्याणेश्वरी कोल ब्लॉक में भी खनन हो सकेगा। अब बीएसएससी को लेकर प्रदर्शन करेंगे छात्र। बिहार की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था ऐसी है कि हर रोज किसी न किसी वजह से छात्र और बेरोजगार युवा हिंसा प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। हाल ही में हुआ आरआरबी, एनटीपीसी और अग्निपथ स्कीम को लेकर हिंसक प्रदर्शन इस बात के गवाह है। इसके बाद अब खबर बीएसएससी को लेकर है। दरअसल बीएसएससी द्वारा ली गई प्रथम इंटर स्तरीय नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया 8 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है और अंतिम रिजल्ट प्रकाशन नहीं हुआ है। इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। वहीं खबर यह भी है कि यदि 28 तक इसका रिजल्ट नहीं निकला तो वे आप आंदोलन करेंगे। गुरु रहमान से पुलिस करेगी पूछताछ। अग्निपथ स्कीम को लेकर जिसका भी हाथ दंगा भड़काने में था, पुलिस ढूंढकर उस पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जाने माने शिक्षक गुरु रहमान भी इसकी चपेट में आए हैं। दरअसल गुरु रहमान पर आरोप है कि उन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया था। बवाल और हंगामा मामले में आरोपित शिक्षक एम रहमान को पटना पुलिस नोटिस भेजेगी। इस मामले में जल्द ही उनसे पूछताछ हो सकती है। शिक्षक से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। मालूम हो कि गुरु रहमान के कोचिंग पर पिछले दिनों पुलिस ने छापेमारी की थी। हालांकि गुरु रहमान वहां मौजूद नहीं मिले थे। आयकर विभाग की टीम ने भी गुरु रहमान के ऊपर नकेल कसी हुई है। गौतम गंभीर ने चुनी अपनी प्लेइंग 11, पंथ कार्तिक को नहीं दी जगह। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज ड्रॉ करने के बाद टीम इंडिया अब आयरलैंड दौरे पर जा रही है। इसके लिए आज शाम टीम मुंबई में एकत्रित हो सकती है। इसके तहत ही जहां पर इन्हें 2 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है, लेकिन आयरलैंड सीरीज से पहले ही साउथ अफ्रीका सीरीज के आधार पर पूर्व बल्लेबाज और 2 बार विश्व कप विजेता गौतम गंभीर ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का चुनाव किया है। अपने इस प्लेइंग 11 में इन्होंने किन खिलाड़ियों को शामिल किया है तो वो है रोहित शर्मा कप्तान, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार, केएल राहुल विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, दीपक हुड्डा, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है दिलीप राम, रघुनाथ प्रसाद, शंकर मुखिया, नुन्नू कुमार, रंजीत मिश्रा, जय शर्मा, दीपक कुमार, अविनाश कुमार, लक्ष्मण कुमार, उमेश ऋषिदेव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है भारतीय टीम आयरलैंड दौरे पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।